Hey, so welcome back to the channel. और हम आ गए मुंबई फिल्म अकेडमी. ये लोग मेरा वेट कर रहे थे पहले से ही. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मी ब्रो. तुम तो अभी भी सोए लग रहे हो. तो यार सो ही नहीं पाया. सो जा. देख आज इसकी स्मेल पता नहीं इतनी क्यों है. देख रहे हो अलग ही बिल्कुल अलग. पैचअप हुआ है भाई तभी देख स्मेल. ऐसे हमने लाइट लगा के रखी है. ये ऊपर जाएगी और ये मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगी. ऊपर से लाइट आएगी तो यहाँ से. और ये अपनी कॉफ़ी बनेगी यहाँ पे. तो ये पूरा कॉफ़ी का सीन होने वाला है यहाँ पे. और अभी बाहर का शूट नहीं कर रहा है. बाहर का मे भी पॉसिबल कल करें. तो गाइस ये लोग देखो हमारे लाइटमैन कितनी मेहनत कर रहे हैं. दिन रात एक करके दोनों लाइटमैन हैं हमारे. डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं है. ये लाइट संभालते हैं. हमारे ये चेंज होते रहते हैं. क्या चेंज होते हैं भाई? होस्ट. हम पहले डायरेक्टर थे अब हम लाइटमैन बन चुके हैं. तो देख लो गाइस क्या लाइटिंग वगैरह की रही है. ये मेरे फेस पे आएगी ऐसे और ये पीछे से मेरे सर पे ऐसे बॉडी पे आएगी. और ये अपने डीओपी बाहर से मेहनत करते हुए जो कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. सिर्फ मेहनत ये दोनों कर रहे हैं. आयुष ने कहा था उसे अच्छी कॉफी बनानी आती है. ये जो कड़वा पानी बना के रखा है उसे हम अभी पीने वाले हैं. एक अच्छा सा काढ़ा जो कि कॉफी का काढ़ा बोलते हैं. नेस्कैफे कॉफी का काढ़ा है. ये काफी अच्छा लगने वाला है हम लोगों को. रेसिपी के लिए आयुष को डीएम करिए. आज हमने एक्टर को भी लाइटमैन बना दिया. एक्शन. सो गाइस अभी हम कॉफी का क्लोजअप ले रहे हैं जिसमें मैं एक्टर हूँ. बट वही हुआ कि मैं भी लाइट पकड़ने लग गया क्योंकि हमारा बजट कम है ना. चाय है कि कॉफी. बजट कम होने के वजह से हम सारे काम कर लेते हैं. चाय बना रहे हो कॉफी बना रहे हो ग्रीन जो भी बना रहे हो मैं नहीं पी रही. तीनों नहीं लग रही है. किसी को प्लान थोड़ी ना. यहाँ आयुष ने कॉफी बनाई है जो टेस्ट कर रही है चाशनी जैसे. गाइस वो काढ़ा बन रहा था. गाइस बहुत अच्छी है. इतनी बुरी नहीं है. पहली बात लड़कियों के नखरे बहुत ज्यादा रहते हैं. एक्चुअली वो खुद बोल रहा है कि वो चाशनी में जलेबी बना रही है. कड़वा प्लस चाशनी कड़वासनी. तो गाइज अभी हम लोग शूट कर रहे हैं एक सीन जिसमें हम लोग एक दूसरे को फोकस करेंगे और कुछ नहीं. तो ये हमारे पीछे जो कैमरामैन आपको देख रहा है वो हमें फोकस करेगा. तो गाइज हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं. और ये अभी फिर से आ गया है भाई अपना. और ये अब मुझे फॉलो करेगा. ये देखो नो बारी बारी कर रहे हैं. अभी प्रलया का टर्न है. अभी प्रलया कर रही है. देखो अब मेरे को फॉलो करेगी. की जो ज्ञान वाली क्लास हुई ना भाई साहब ऐसा ज्ञान हमें कभी नहीं मिला. लेकिन काम का आज तो बहुत मजा आया. एकदम एक्चुअल ट्रुथ पता चला इंडस्ट्री का. एक और चीज कल मेरे साथ हुई है और मैं कहने वाला था सर को. बंदा मेरे से बोलता मतलब वो एक्सपीरियंस है 8 साल से काम कर रहा तो मेरे को बोलता लेकिन जैसा आपको पढ़ाया जाता है ना रियलिटी सेट्स पे बहुत अलग होती है. मैंने उसको एक ही आंसर दिया कि आप जो ये बोल रहे हो ना वो मैटर करता है लेकिन जो हमें पढ़ाते हैं ना वो एक्चुअल जो काम करते हैं इंडस्ट्री में वो ही पढ़ाते हैं. तो हमें पूरा एक्सपीरियंस पहले पता चल जाता है कैसा है क्या है. वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो हम ये भी सोच के चलते हैं कि हम इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं. किस तरीके से काम करना है हमें ऑलरेडी पता है. तो गाइस अभी भूख बहुत तेज लग रही थी तो हम पानी पूरी पीने आ गए. और आज जो डिस्कशन चल रहा है ना भाई साहब ऐसा लग रहा है हम बन चुके हैं. हम बड़े बहुत बड़े बन चुके हैं. संजय लीला भंसाली की बातें कर रहे हैं. बात करने के लिए यस वी आर. We have to visualize, है ना? कुछ सालों बाद विजुलाइज कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े डायरेक्टर्स डीओपी बन चुके हैं एंड हमारी फिल्म और हम लड़ भी एक्चुअल में हम लड़ भी रहे हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा. मैनिफेस्ट करते रहो सपने पूरे होते रहेंगे. yes.